कोरोना महामारी के चलते ऐसे बहुत से ऑफिसर्स हैं जहां पिछले कुछ समय से कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी जा चुकी है। हालांकि अब कोरोना की रफ्तार कम होती दिखाई दे रही है, जिसके चलते अब ऑफिस को खोले जाने की इजाज़त दी जा रही है, और ऐसे में कुछ लोग हैं जिन्होंने ऑफिस जाना शुरू कर दिया है। लेकिन अधिकतर संख्या में ऐसे भी लोग हैं जो अभी भी वर्क फ्रॉम होम प्रेफर कर रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम कर रहे लोगों में अक्सर कमर और पीठ दर्द जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं, और आज हम आपको ऐसी ही समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए कुछ आसान तरीके बताने जा रहे हैं। कमर या पीठ में हो रहे इस दर्द से निजात पाने के लिए सबसे पहले तो यह ज़रूरी है कि आप काम करते समय बैठने के लिए कौन सी चेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको बता दें, लंबे समय तक कंप्यूटर पर लगातार काम करने की वजह से रीढ़ की हड्डी के शेप में चेंज होने लगते हैं, और यही कारण है कि कमर और पीठ दर्द होना शुरू हो जाता है। इसलिए यह ज़रूरी है कि आप काम करने के लिए ऐसी कुर्सी पर बैठें जो आपके लिए आरामदायक हो। इसके अलावा वर्क फ्रॉम होम करते समय यह ज़रूर सुनिश्चित करें कि आपके बैठने का पॉस्चर एकदम सही हो। आपके गलत पॉस्चर में बैठने से भी दर्द काफ़ी परेशान कर सकता है। वर्क फ्रॉम होम के समय भी यह ध्यान रखें कि आप काम करते समय लंबे टाइम के लिए लगातार एक ही जगह पर ना बैठें। काम के दौरान बीच बीच में ब्रेक लेते रहें। ब्रेक लेने के लिए काम से थोड़ी देर पॉज लेकर के आसपास घूम लें और स्ट्रेचिंग करते रहें। इससे आपकी बॉडी के सभी पार्ट्स में ब्लड सर्कुलेशन सही बना रहेगा। वर्क फ्रॉम होम करते समय इन कुछ बातों का ध्यान रखने से आपको कमर, पीठ या अन्य किसी भी दर्द से राहत मिलेगी। स्पेशल डेस्क से भावना मिश्रा की रिपोर्ट।